छतरपुर की छतरपुर पुलिस थाने पर पत्थरबाजी के मामले में मुख्य आरोपी शहजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार शहजाद की खोज में अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी। शहजाद पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। इससे पहले कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहजाद की हवेली गिरा दी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, छतरपुर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। थाने पर जो पत्थरबाजी हुई थी, इस मामले में जो मुख्य आरोपी था शहजाद अली, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता मिली है और लगातार शहजाद की खोज में अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की जा रही थी और उसके बाद सफलता हाथ लगी। शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। और इससे पहले कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहजाद की हवेली को भी गिरा दिया था। लेकिन अब खुद शहजाद अली की बात की जाए, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में है, थाने पर जो पत्थरबाजी हुई थी, इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। अरविंद, आखिर आरोपी शहजाद अली तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे उसे गिरफ्तार किया गया? ये पहले से ही लगी हुई थी पुलिस और तैयारी थी कि जिस प्रकार से कल इन्होंने पुलिस ने इस पे 10,000 का इनाम घोषित हुआ और उसको फिर भय होने लगा कि अब हम ना तो बाहर विदेश भाग सकते हैं, और जिस प्रकार से इनाम घोषित कर दिया गया है और उसकी 20 करोड़ की जो हवेली है वो टूट गई है, अब मेरा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ये पुलिस एनकाउंटर कर दे, इस वजह से वो भय के मारे, वो बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो ट्रेन से आया, झांसी तरफ से ट्रेन से आ रहा था तो यहाँ पे उतरा और फिर पन्ना नाके, नया पन्ना नाके और पुराने पन्ना नाके के बीच में अरविंद खजूर ने मुझे बताया कि वहां पे मुझे ये देखा तो हमने तत्काल पुलिस को अलॉटमेंट किया। ये बताया जा रहा था कि ये जिला न्यायालय जा रहा था जहां पे इसको अपने आप को सिलेंडर करना था कोर्ट में, जिससे ये सुरक्षित बच पाता। लेकिन उसी टाइम पे एसपी और पुलिस के द्वारा बहुत तत्परता दिखाते हुए इनको न्यायालय के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला है जी। अरविंद, देखिए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, इसमें और भी जो शामिल रहे होंगे, क्या उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस करने वाली है? मेरी एसपी साहब से बात हुई है, अभी अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, मैं बात कर रहा था उनसे, लगभग एक घंटे मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि मुख्य आरोपी मिल गया है, जिन लोगों के नाम अब हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जिन लोगों के नाम नहीं है उनको हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ लग जाता है कि जो अन्य हैं उनमें कौन से नाम आएंगे और कौन कौन आएंगे, इस पे लोगों में भय है कि मेरा नाम नहीं, क्योंकि किसी का भी नाम हो सकता है, इस वजह से जो मोहल्लों में है वो तो चलिए। और भी लोग जो इसमें शामिल रहे हैं उन पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई आगे की जाएगी। नजर आप बना रखिए, गर्मी आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।